इतों 40 किलोमीटर है जी। भूरा सिंह जी पिंड कुरंगाली असे साढ़े जी बच्चे जी उंगलां कट्टी गई सी अज कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहे जी। डॉक्टर बारे हड़ताल करी गई है जी 3 दिन वास्ते जी करना पै रहा जो बच्चे हाथ नहीं देख रहे हड्डी वगैरह कि टुटी है कि कुछ है वो चेक नहीं कर रहे भी हड़ताल दस रहे है साढ़े तो भी यही अपील है भी चेक करना बच्चे हाथ कि हड्डियाँ क्रैंक हो जाए की कुछ है अब साड़ी सुनवाई नहीं हो रही की करी जी मजबूरी हूँ जो 40 किलोमीटर तो इतने आए हैं जो हाथ भी ना देखा गया सू आने का फायदा की सरकारी हस्पताल ना ही आँगी जी जो दस्या होंगे सूँ पता होना पता भी कॉले वाली कल कॉले तो परची कटी हुई है जी वो कहते कल तुम जाओ क्या उ चेक जरूर होगा कहते इन उम्मीद करके आए भी इतना चेक हो गए चेक मैं जी मजदूरी करता दिहाड़ी वगैरह कर दें हाँ जी दिहाड़ी भी मारी गई दिहाड़ी जी बच्चे तो दिहाड़ी ये मारी सारा कुछ मारा जी बच्चे तो हाथ ही देख रहे जी रानी है। मेरा नाम चौबुरजा से और PSC रंधावा CSE नाथूसरी चोपटा। हम सुबह 8 बजे से घर से चले हैं और गरीब आदमी हम ऑपरेशन केस लेके आए हैं नसबंदी वाला और गरीब आदमी है जो प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं। मैं दूसरी बार इन पेशेंटों को लेकर आई हूँ क्योंकि उस दिन नहीं हुआ था इनका और दोबारा लेके आए हैं और ये हम से उम्मीद रखते हैं कि हमें सरकारी सुविधा ही मिले क्योंकि गरीब आदमी ना तो प्राइवेट में जा सकता है ना कोई सुविधा ले सकता है ना उनके पास पैसे होते हैं। वो गाड़ी का किराया भी 500-600 रुपये भर के आए हैं। वो तो हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि सरकारी में जाएं और हमें फ्री सुविधा मिले। हम यही सोचते हैं कि डॉक्टर जल्दी से जल्दी अपनी ड्यूटी पर आए और अपना कारोबार संभाले। देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है क्योंकि जितने डॉक्टर्स पर पॉपुलेशन चाहिए 10,000 के पीछे उतने डॉक्टर्स अभी तक सरकार के द्वारा लगाए नहीं जा रहे हैं जिससे डॉक्टरों के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं उसके लिए मरीज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या FRU केंद्रों पर आते हैं लेकिन उन्हें वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलते जिसके कारण SMS एसोसिएशन ने सरकार से मांग की थी कि आप एक स्पेशलिस्ट कैडर बनाएं या स्पेशलिस्ट अलाउंस रखा जाए ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को अट्रैक्ट करके सर्विसेज में लाया जाए लेकिन 3 साल हो चुके हैं अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया है। अभी वो डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम एक स्पेशलिस्ट कैडर को डिज़ाइन कर रहे हैं बट उसमें भी एसोसिएशन ने जो अपना मत रखा था कि स्पेशलिस्ट कैडर में जो चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए अपना प्रपोजल दिया था सरकार ने उसको भी नहीं रखा जिस वजह से स्पेशलिस्ट नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल सिरसा से ही 3 डॉक्टर अभी छोड़ के जा चुके हैं इस साल में भी और पूरे हरियाणा की बात करें तो काफ़ी डॉक्टर हैं जो निरंतर नौकरियां छोड़ रहे हैं क्योंकि एक एक डॉक्टर होता है और इतने सारे पेशेंट होते हैं जैसे ऑर्थो का है चाहे वो MD मेडिसिन है या सर्जन है तो काम की दिक्कत के चलते वो बाहर जाना ही उचित समझता है। तो जब तक एक एक स्पेशलिस्ट के 2-2, 3-3 डॉक्टर नहीं होंगे और उनमें काम नहीं बंटेगा तब तक डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे नहीं टिकेंगे और मरीजों को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का काम एक MBBS डॉक्टर को देना पड़ेगा जो कि ये उचित नहीं है और मरीजों के साथ खिलवाड़ है। डॉक्टर साहब आपकी हड़ताल है लेकिन 40 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके मरीज पहुँचे हैं ओपी नहीं मिल पा आज की उनको परेशानी है लेकिन आपको वो नहीं दिख रहा जो वो लोग रोज़ फेस कर रहे हैं अपनी परेशानियाँ वो आते हैं एक डॉक्टर MD मेडिसिन है एक डॉक्टर MD चेस्ट एंड TB या सर्जन है उसको छुट्टी चाहिए उस दिन मरीज उसके साथ क्या हो रहा है तभी तो वो परेशान होते हैं। उनको यहाँ पे स्पेशलिस्ट केयर मिलनी चाहिए आज ऑर्थोपेडिशन नहीं है इस सिविल हॉस्पिटल में तो वो भी तो डेली परेशान हो रहे हैं मतलब एक दिन की परेशानी से जीवन भर का उनको हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी योजना जो हमने सजेस्ट कर रखी है उसको लागू करे धरातल पे तो सभी को बेनिफिट मिले और आने वाले लंबे समय तक उनको मिलता रहे। आज की जो हड़ताली मजबूरी वश की गई सरकार ही जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए हमने 3 साल का समय दिया है और आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है इस चीज़ के लिए।